तो वेल फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में अपने स्काई ब्लॉक में विलेजर्स को लेकर आने वाला हूँ, मतलब जो जोम्बी विलेजर है उन्हें विलेजर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैंने अपना एक घर बना लिया है और अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही कंप्लीट हुआ है। मैं से बाद में पूरा कंप्लीट करूँगा। अरे, मेरी जो हेल्थ है वो कम हो रही है, हंगर बार हो रहा है मेरा, तो मैं कुछ खा लेता हूँ। फिलहाल तो मेरे पास ये रोटन फ्लैश है, मैं ये खा लेता हूँ। एप्पल मैं नहीं खाने वाला, वरना गोल्डन एप्पल के लिए कम हो जाएंगे एप्पल, और उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैं इससे काम चला लेता हूँ। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर लैक्ट्रिन लगाई है, लेफ्टन कह रहा हूँ, ये जो लालटेन है। ऊपर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर टॉर्च लगाई है बस। और यहाँ पर मैंने बैरल्स रख दिए हैं, पहले मैंने यहाँ पर रखी हुई थी चेस्ट, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो मैं बाहर से थोड़ा सा दिखाऊँ, यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही लगाए हुए हैं। और ये देखिए, मेरे पास ये बैनर है, ये मुझे मिला था एक विलेजर को मारकर। वो आया था मेरे जो वहाँ पर पानी है वहाँ पर स्पॉन हुआ था, वो केला ही मुझे मिला था, बाकी के उसके साथ ही पता नहीं कहाँ गए, शायद से वो मर गए होंगे। तो उससे मुझे एक बो भी मिली थी, कुछ खास नहीं थी ये नहीं है, पता नहीं कहाँ गई, छोड़ो उसे। तो अभी मुझे जाना है पहले उस मशरूम आइलैंड पर, वहाँ से मशरूम लेकर आऊँगा। मेरे पास शुगर है, मुझे विच को मारकर मिली थी अभी वीडियो को स्टार्ट करने से जस्ट पहले, पर अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिली थी वहाँ से अपने फार्म से। और अब मैंने वहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए, अब वहाँ पर कुछ होगा नहीं है, क्योंकि स्पॉन होगा तो वो नीचे नहीं पहुँचेगा, क्योंकि नीचे ज़ोंबी विलेजर खड़े हुए हैं। तो अभी मुझे थोड़े से ये चाहिए। अरे नहीं, मेरे पास ये हैं कबलस्टोन स्लैब्स, तो मैं स्लैब से चला जाऊँगा, लेकिन कुछ और स्लैब्स भी मुझे चाहिए होंगे। मैं स्लैब्स देख लेता हूँ, स्लैब्स मिल जाए मुझे, कोबलस्टोन वेस्ट नहीं करना चाहता, मेरे पास थोड़े से हैं, पहले से ही कम बचे हैं। तो ये स्टैक है पूरा, एक काम करता हूँ इस पूरे स्टैक को ले जाता हूँ, और कोई अच्छी सी बो देखूँ। ये अनब्रेकिंग टू देखो कितना कुछ लगा हुआ है, लेकिन मैं लेकर इसे जाने वाला हूँ अगर काम आए तो। और एरोज भी ले लेता हूँ, और यही ले जाता हूँ इसे भी। मुझे चाहिए थोड़ी सी लकड़ियाँ जाने के लिए, रास्ते में ख़त्म हो गए मेरे स्लैब्स, तो मैं बना लूँगा। तो अभी रात हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लूँ, हाँ सो पा रहा हूँ, तो सोकर चलते हैं जल्दी से। तो सुबह हो गई और अब जाना है, पहले दरवाज़ा देख लूँ बंद, हाँ बंद हो रहा है। तो अभी यहाँ पर काफ़ी कुछ स्पॉन मेरे आइलैंड पर भी हो रहा है, मुझे टॉर्चेस लगानी है काफ़ी सारी, वो मैं बाद में लगाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ पहले उस आइलैंड पर चलता हूँ, वहाँ से ये मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, शॉर्टकट हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ पर नहीं लगाना था, अरे फिर से कोई स्पॉन हो जाएगा। अब मैं पिकेक्स नहीं लेकर आया, पिकेक्स और एक्स तो काफ़ी ज़रूरी टूल्स हैं, ये तो मुझे चाहिए ही। तो लकड़ियाँ हैं, बना ही लेता हूँ, एक पिकेक्स चाहिए और एक मुझे चाहिए एक्स। तो मेरे पास लकड़ियाँ 5 बची हैं, तो काफ़ी है, इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 4 चाहिए क्राफ्टिंग टेबल के लिए। मैं अभी बना कर नहीं जा रहा, क्योंकि अगर बाद में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो ये बेकार हो जाएंगी, तो ये काट और नीचे वाला भी टूटेगा, मैं जानता हूँ। तो अभी यहाँ पर लगाता हूँ, तो उसे यहाँ पर एक काम करता, मैं वहाँ तक जाता हूँ, तो बस यहाँ से गिरूँ ना मैं, पता नहीं मेरे गेम में कुछ ग्लिच है, मैं जब क्राउच होकर भी कुछ करता हूँ ना तब भी मैं मर जाता हूँ, यहाँ पर गिर जाता हूँ नीचे अगर ज़्यादा आगे चले जाऊँ क्राउच होकर भी। आपको पता हो ये क्यों होता है तो मुझे बता देना, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तो अभी उस वाले आइलैंड पर चलता हूँ, तो धीरे धीरे जाना है, मेरे पास सामान है काफ़ी सारा, अगर मरा ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे वहाँ पर मुर्गी, मुर्गियाँ स्पॉन हुई है, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ,
ये क्या कर रही है मुर्गियाँ, और मैं इनका कुछ कर भी नहीं सकता, इन्हें मेरे पास कुछ है भी नहीं। अरे मेरी मुर्गियाँ चल जाएंगी। अरे रस्सी नहीं मैं लेकर आया, एक काम करता हूँ, अगर मैं ये कर पाऊँ तो रस्सियाँ लेकर आनी है मुझे भी, जल्दी से बस पहुँच जाओ। मैं ये नहीं गिननी चाहिए मुर्गियाँ, सबसे मेरे अच्छे ये मुर्गियाँ रहती हैं, इन्हें मैं बाद में यहाँ तक लेकर आऊँगा संभाल कर, फैंसिस लगा दूँगा मैं लेकर आते वक्त, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो। अरे ये कहाँ फंस गया, तो जल्दी पहुँचो अंदर, और इस बैरल में कहाँ गई, मुझे अब रस्सियाँ नहीं मिलेंगी, मर जाएंगी, जल्दी मिल जाओ। हाँ तो रस्सियाँ मिल गई, और मुझे चाहिए थोड़ी सी फैंसिस, और फैंसिस मुझे बनानी पड़ेंगी, बनी बनाई है ये रही, तो बनी बनाई पड़ी हुई है, तो अब चलता हूँ भागकर। और मुझे ये भी डर है कि वो डिस्पोन ना हो जाए मेरे ज़ॉम्बी विलेजर, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बार बार स्पॉन होते रहते हैं, और यहाँ पर मैंने अच्छे से नहीं बनाया घर, थोड़ा सा इसे ठीक करना है, अभी मैंने बताया आपको ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो नहीं मुर्गियाँ हैं वहाँ पर, ठीक है, तो चलता हूँ जल्दी से मुर्गियों को लेने, गिरना नहीं है बस यहाँ से। और अरे मैं आपको जो एक बात है वो बताना तो भूल गया, कि मैंने जो नैदर की फोर्ट्रेस है उसे एक्सप्लोर कर लिया था, तभी मेरे पास सारा सामान आया था ये सब करने के लिए, जोम्बी विलेजर बनाने के लिए, और जोम्बी विलेजर नहीं, विलेजर को, जोम्बी विलेजर को ठीक करने के लिए, लेकिन वो वीडियो करप्ट हो गई थी इसलिए मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया। तो भी मुझे काम करना है, यहाँ पर इसे लगाता हूँ, पानी तो ये ऐसे ही रहेगा, तो ये अब कहीं गिर ना जाए, दिक्कत तो हो जाएगी अगर गिर जाएंगी। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इनके लिए आइलैंड एक्सपेंड कर दो, मुर्गियाँ नहीं गिरनी चाहिए यहाँ से, गलत लगा रहा हूँ मैं, तो कोई बात नहीं लगाते जाओ, बस इन्हें रास्ता मिलना चाहिए। अच्छा सी मच्छी लगा देता हूँ, पता नहीं क्या क्लिक हो रहा है माइनक्राफ्ट, पता नहीं बार बार ऐसे ग्लिच होते रहते हैं, क्लिक कहीं करता हूँ और कहीं और हो जाता है क्लिक, तो मैं सोच रहा हूँ अब तो ये नहीं गिरना चाहिए, इतना मुझे लगता है कि काफ़ी है जगह, तो अभी मुझे वहाँ तक जाना है, एक काम करता हूँ मैं वहाँ तक चले जाता हूँ, फिर मैं इस वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से मुझे एक मशरूम उठाना है, यहाँ से उठाता हूँ, अच्छे से ध्यान से उठाना है, गिरना नहीं चाहिए, हाँ मिल गया, तो अब चलता हूँ जल्दी से, मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, फिर इस वीडियो को रिज्यूम करता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी धीरे धीरे वहाँ पर जाने वाला हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और मैंने देख लिया है कि वो भी डिस्पोन नहीं हुए दो विलेजर, तो अभी रात हो रही है, तो मुझे रात में ही ये काम करना था, तो ये तो मुझे लगता है ऐसे टाइम हो जाएगा, तो मुझे सबसे पहले, अरे फर्मेंटेड आई नहीं बना सकता, ऐसे तो दिक्कत होगी, मेरे पास ऐसे आइडिया है, मैं बिना रात के भी काम कर सकता हूँ, सुबह हो तब भी, तो एक काम करता हूँ पहले सुबह कर देता हूँ, तो अभी रात अच्छे से हुई नहीं है, तो एक आई चाहिए, मशरूम वगैरह सब कुछ मिल गया है, तो अब तो बन जाता है, हाँ एक फर्मेंटेड आई बन गई, और मेरे पास ब्लेज रोड्स हैं, तो अभी मैंने यहाँ पर एक ब्रीविंग स्टैंड बना लिया है, पहले सो जाता हूँ यहाँ पर, तो अभी मुझे याद आया कि मुझे सैंड से ग्लासेस भी बनाने हैं, ये तो काफ़ी कुछ करना है, मैंने तैयारियाँ नहीं की और मैं जाने वाला था, तो एक काम करता हूँ पहले इसे रख कर आ जाता हूँ ऊपर, कहीं देखता हूँ कहाँ पर रखूँ, फिलहाल तो ये कोने पे रख देता हूँ, और ये ऐसे रखोएगा, हाँ और यहाँ पर नहीं फिर रखना, मुझे सोच रहा कहीं भी रख देता हूँ टेम्प्रेरी, तो बाद में इसे शिफ्ट कर दूंगा कहीं और, अभी कहीं नीचे रख देता हूँ, ऊपर मुझे थोड़ा सा ठीक भी करना पड़ेगा अब, तो आइडिया नहीं यहाँ पर नहीं, हाँ ये भी ठीक रहेगा यहाँ पर, तो अभी मेरे पास सैंड है, ये रही सैंड, तो कितनी लगती है मुझे देखनी पड़ेगी बोटल्स के लिए, और मैं ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता, और 3 ग्लासेस लगेंगे, ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा मुझे, और 3 बॉटल्स तो मुझे चाहिए भी नहीं, फरने से रही,
इसमें डालता हूँ दो तीन, तो ये डाल दो हो जाएगा। और तब तक मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, इससे निकालता हूँ ये और इसके अंदर डाल लेता हूँ। ये दोनों डाल दिए तो हो गया। अब फर्मेंटेड आई भी मुझे डालना है, अभी रख देता हूँ ऊपर। तो अब ये ग्लासेस बने क्या, दो, तीसरा भी बनने वाला है, बस हो गया। तो तीन पोशन बना लूंगा मैं। स्प्लैश बनानी है तो मेरे पास गन पाउडर भी है, सब कुछ है मेरे पास अब। तो ये रहा गन पाउडर। तो अब यहाँ पर मुझे, अरे पहले वो तो बना लूँ, बोटल्स, और उसमें पानी भी भरना है अभी। क्या बना रहा हूँ, हाँ तो अब ठीक है, बाहर चले जा। तो अभी जल्दी से जाना है, मेरी हेल्थ भी कम हो रही। मैंने अभी तक यहाँ पर फार्मिंग नहीं की, फार्मिंग कर लेता तो मुझे खाने का कोई चिंता नहीं रहती खास। कहाँ पर जा रहा है, कंट्रोल इसके काम नहीं कर रहे, शायद मैंने सेटिंग में कुछ किया है। और अरे ये भी डालना है, तो ये तीन होंगे। इसके बाद एक गन पाउडर डालूंगा और उन्हें ठीक करना है। और उसके लिए मुझे भी बॉट भी चाहिए, तो लकड़ियाँ ले लो यहाँ से। और मुझे यहाँ पर आयरन का शवल मिला था, और मैंने आपको सामान नहीं दिखाया, मैंने नेदर फोर्ट्रेस एक्सप्लोर की थी, तो मेरे पास काफ़ी सारा आयरन, और देखिए मेरे पास 8 डायमंड्स आ चुके हैं। हॉर्स आर्मर है, शैडल भी शायद से दो दो से ज़्यादा थे, तीन थी शायद, अब मुझे पता नहीं ये बन गई ना, हाँ वीकनेस की बन गई है। इसमें अब स्प्लैश बनाता हूँ इसे। और सबसे मेन मुझे चाहिए ये, क्या कहते हैं उसे, गोल्डन एप्पल। तो दो गोल्डन एप्पल चाहिए, और इससे भी उठा लो, मुझे नहीं पता कितने लगेंगे, 18 लगते हैं शायद से, नहीं 18 नहीं, कम लगेंगे, 5 बचे हैं। चलो कोई बात नहीं, गोल्ड का मैंने करना भी क्या था, गोल्डन एप्पल बन गए हैं इनके लिए। तो इसे ले लेता हूँ स्प्लैश को। तो अब मुझे चाहिए थी बोट, तो बोट मुझे मिलेगी, एक शवल बनाना पड़ेगा पहले उसके लिए, मुझे लकड़ी का शवल, थोड़े से प्लैंक्स, एक बोट। मैं एक नहीं बनाने वाला, मुझे पता है कि वो भागेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, तो बना लेता हूँ मैं दो बोट बना लेता हूँ। हाँ दो काफ़ी रहती हैं, दो तो ठीक रहेंगी। अब इसे भी दो को निकाल लो, वैसे एक से काम चलेगा, लेकिन दो भी कर लेता हूँ। और मुझे रस्सियाँ नहीं ली मैंने, तो सारी तैयारी कर कर जानी है। खाना भी मेरे पास थोड़ा बहुत है तो ठीक है, इतना ही। और रस्सियाँ, रस्सियाँ कहाँ गई, अब रस्सी नहीं मिलेगी मुझे। और मुझे भी फार्मिंग भी करनी है, रस्सी शायद से यहीं कहीं तो रखी थी मैंने, अब मुझे नहीं मिलने वाली रस्सियाँ लगता है। नहीं ये रही, सामने होती हैं, पता नहीं चलता। तो अभी जल्दी से चलो उन पर स्प्लैश पोशन मार कर गोल्डन एप्पल खिलाना है, और वो ठीक हो जाएंगे। और उनको फिर कुछ, मैं सोच रहा हूँ क्या दूँ, मैंने अभी तक सोच कर नहीं रखा। और मैं इन्हें कैसे ये फेंकूँ इन पर, एक काम कर सकता हूँ, इसे तोड़ो पहले, पिकैक्स। हाँ शुक्र है मैं पिकैक्स लेकर आया था, मैंने सोचा लेकर ही नहीं आया मैं पिकैक्स। और सावधानी करनी है मुझे, तो एक काम करता हूँ, अभी रस्सी की ज़रूरत नहीं है, और सब कुछ ध्यान से करना पड़ेगा, मैं गिर ना जाऊँ यहाँ से। मैं ऐसे ही गिरने वाला था, थोड़ा सा पीछे होकर ऊपर चले जाता हूँ, इनसे ज़्यादा ऊपर जाना है मुझे, अब वो नहीं जा सकता। और ऊपर ये स्केलेटन वगैरह काफ़ी कुछ है, तो मुझे भी वीकनेस मिली गई है, दोनों को मिली होंगी, दोनों को भी क्योर कर दो, क्योर इसे भी, और ये भी क्योर हो जाएगा। अब तो हमारे पास आ जाएंगे दो विलेजर, और फिर हमारे पास गोलम वगैरह शायद से स्पॉन हो, नहीं होंगे तो मुझे करने पड़ेंगे। और आयरन मुझे इस फार्म से भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, मॉब्स को मार कर मिल जाते हैं काफ़ी सारे। अभी तो मुझे यहाँ पर रखने पड़ेंगे ये स्लैब्स, थोड़ा सही से यहाँ पर रखो बोट को, और एक बोट अपने हाथ में।
तो मुझे पता है ये स्पॉन होने ये ठीक होने में काफ़ी देर लगाएंगे, तो मुझे थोड़ी सी टॉर्चेस लेकर आनी पड़ेंगी, यहाँ पर उजाला रहना चाहिए, वरना कोई स्पॉन हो गया ना यहाँ पर तो दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि वहाँ पर स्पॉन हो सकता है कोई, मैंने शायद से स्पॉनेबल प्लेटफॉर्म बनाकर उसे छोड़ दिया है, तो टॉर्चेस नहीं मिलेंगी मुझे। मैंने कुछ भी अरेंज नहीं कर कर रखा हुआ है, नहीं मिल गई हैं टॉर्चेस, तो ये रही टॉर्चेस, जल्दी से जाओ कुछ अगर नहीं। वो ठीक हो रहे हैं अभी, 5 मिनट तो लग जाएंगे, तब शायद से कोई स्पॉन होता है तब भी उसे मार नहीं सकेगा, क्योंकि वो अभी भी ज़ोंबी विलेजर ही है, तो मुझसे तो ये असर हट गया है पोशन का। तो यहाँ पर टॉर्चेस लगाओ, यहाँ पर नहीं लग सकती, और यहाँ पर लगा देता हूँ एक, उजाला ही उजाला करता कर दिया मैंने, और कुछ उजाला करने का रह गया, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ। तो अब तो यहाँ पर दिन ही हो गया है, काफ़ी अंधेरा था। अरे अरे अरे, नहीं मारना उसे, मतलब ठीक, शुक्र है वो हो गए, वरना उसे मार ही देता अभी तक। पता नहीं क्या करूं अब इनका मैं, ये तो ऐसे बाहर नहीं आए, तो यहाँ पर मैं बोट रख सकता हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, नहीं रख सकता हूँ, तो तोड़ो इस बोट को जल्दी से। हाँ तो बोट आ गई, तो इसे थोड़ा सा आगे करता हूँ, वो उसे मारने वाला था, आपने देखा कि बस थोड़ी सी देरी होती तो वो उसे मार देता, और ये बोट इसे भी तोड़ना पड़ेगा लगता है, अच्छे से नहीं रखोई, मैं इस पर बैठ नहीं सकता क्या, मुझे लगता है कि ये टॉर्चिस के कारण है, तो टॉर्चिस निकाल दो यहाँ से। अरे यहाँ पर क्यों नहीं मैं बैठ पा रहा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा बैठने का, इस पर आता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इसे रिलीज़ कर दिया ऐसे ही तो दिक्कत हो जाएगी, ये ग्लिच है या क्या है मुझे समझ नहीं आता यहाँ पर। तो वो टेक है, यहाँ पर भी रख दो, कहीं पर तो आकर ही बैठेंगे, आजा बाहर। तो ट्रेड करने का तो ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये बैठेंगे नहीं क्या, ऐसे ही खड़े रहोगे, कोई आएगा तभी ये होंगे लगता है। एक काम कर सकता हूँ, इस बोट को ही ऊपर रख देता हूँ, तो फिर तो इन्हें ज़बरदस्ती ही बैठना पड़ेगा, तो ये ठीक है। अरे यहाँ पर नीचे नहीं तोड़ना, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया घेर रहा है, इसे तोड़ दूंगा तो कोई तो बैठो। अरे बैठते क्यों नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने एक तो मैंने बचाया है, एक बैठ गया, दूसरा दूसरा नहीं बैठा, तो पहले इसे रस्सी से बाहर निकाल लेता हूँ, सच में ये काफ़ी दिक्कत भरा काम है। और ये बाहर आएगा, पहले इसे तोड़ो, और वो दूसरा देख रहा है वो, मैं इसे भी बाहर निकालूं, अरे ये अब आ रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा, अच्छा ये मर जाएगा ऐसे तो, ठीक है तो अब इसे आ जाना चाहिए, अब तो ये मरेगा नहीं। अरे आ जाना, इसे भी तोड़ू क्या, मैं एक काम करता हूँ, अनलिश करो और अपना बेड लेकर कर आता हूँ, यहाँ पर सोना भी है मुझे यहाँ पर अब, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी दे रहे होंगे, सोच रहा हूँ इन्हें क्या बनाऊँ, अगर अभी मैं डिसाइड नहीं कर पाया तो मैं अगले पार्ट में वैसे कर लूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है इन्हें यहाँ से लेकर आना अपने घर में, जिनमें सच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, और रात हो गई अब तो सो जाऊंगा मैं, सूरज नीचे पहुंच गया है, सो जा। मॉन्स्टर, अच्छा मॉन्स्टर है पास, और ये नहीं डरते, काफी निडर लगते हैं मुझे, तो अभी मुझे कहीं और रखना पड़ेगा इसे, और वहां पर भी स्पॉन हो जाएगा, यहाँ पर रख सकता हूँ मैं, तो सो गया, तो बस वो ना मर जाए।
अगर वो एक दूसरे को मार रहे थे, अगर वो मार लेते ना एक को भी, तो मेरे पास एक ही विलेजर बचता। ये मैं बैठ सकता हूँ अब इसमें बैठ सकता हूँ। अरे मुझे सीधा मुंह करना है इसका, इसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका सिर है क्या बीच में? अरे ये क्या हो रहा है? मैंने नहीं करना, तू गिर जा। ये क्या हो गया था? ये बोट मुझे पता नहीं चला अपने आप क्यों चल रही है ये बोट। ये विलेजर चला आ रहा है क्या इसे? अरे मैं नहीं बैठूंगा इस पर, मुझे नहीं बैठना, इससे मैं मर जाऊंगा। मेरे पास तुझसे ज़्यादा कीमती सामान है, तो मेरी बात मान, जल्दी से आ जा। ऐसे तो ये मुझे मार देगा, ये कर क्या रहा है? मैं इसे भाग क्यों रहा हूँ यहाँ पर? ऐसे कराऊ छोकर करता हूँ ऐसे, तो अब धीरे धीरे लेकर आना है ये, तो अब काफ़ी सिरदर्दी का काम है, चाहता नहीं हूँ ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में जल्दी भी नहीं जा सकता। इस एरिया को भी बड़ा करना है, बाद में ऑफलाइन करूँगा, और मैं खेती भी ऑफलाइन करने वाला हूँ। ऐसे काम करने में ऑफलाइन ठीक है, वरना ये काम बहुत बोरिंग होते हैं। और मैं सोच रहा हूँ इन्हें ऊपर के फ्लोर में रखता हूँ तो ठीक रहेगा। इसे पहले अनलिश कर देता हूँ यहाँ से, तो ये ट्रेड देखता हूँ इसकी कैसी है, कितने में क्या दे रहा है। ये कैमरल में दे रहा है मुझे, इससे मुझे लैपिश भी मिल जाएगा। लैपिश का मैं सोच रहा था कि किससे लूँ, लेकिन ये मुझे दे सकता है, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। तो आ जाएगा क्या? आ जाना, ऐसे नहीं आता क्या? एक प्रॉब्लम क्या है इसकी, मुझे कोई बताओ, मुझे खुद इसके अंदर बैठना पड़ेगा। अब ठीक है तो अब, अरे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ही दिक्कत हुई है। और ये कौन सा क्वेश्चन है इसका? मुझे लगा कि ये नॉर्मल वाला ही है, नॉर्मल नहीं है ये, तो नीचे आ गई इसकी बोट। अब मैं इसमें बैठ सकता हूँ, तो अब देखता हूँ कि ये तो ऐसे नहीं चलेगी बोट। अरे मैं नहीं बैठना, बोट ऐसे क्यों चलती? मुझे नहीं पता था कि ये स्लैब पर ऐसे चलेगी। और क्राउच होकर जाना है, और मैं एक सोच रहा हूँ कि अंदर दो बेड बना देता हूँ। अरे ये क्या, ये पागल है, खुद गिरेगा मुझे ना गिरा दे। ये फास्ट क्यों चल रहा है? ये आइस है क्या? क्या ग्लिच है? मैंने कभी ऐसा देखा नहीं माइनक्राफ्ट में। और ये गिर ना जाए, मेरे गोल्डन एप्पल और स्प्लैश पोशन वेस्ट जाएंगी। स्प्लैश पोशन की कोई बात नहीं, लेकिन गोल्डन एप्पल महंगे होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि विलेजर देते भी हैं गोल्डन एप्पल। और ये इसके अंदर आ पाएगा, जितना मुझे पता है कि आ सकता है। अब मैं इसे भाग कर पहले दरवाजे के सामने लेकर आऊँगा। हाँ, तो अब अंदर जाना है, ये बंद हो जाएगा। हाँ, तो मुझे पहले यहाँ पर नहीं कर सकता क्या? आएगा, इसे आ जाना चाहिए अंदर, नहीं आएगा। और मैं अब ऊपर नहीं जा सकता, स्लैब लगाकर इस तरफ जाता हूँ। वैसे ये आइडिया काम कर जाता है, मैंने पहले भी ऐसे किया था। नहीं होगा तो मैं खुद इसे ऊपर लेकर आऊँगा, नहीं करेगा ये काम, तो अब इसे खुद लेकर आना पड़ेगा क्या? ट्रेड नहीं करनी मुझे तुझसे, तो अभी मेरी ड्राइविंग तो इससे भी बेकार है, जैसे ये खुद कर रहा था। मैं इसे गिरा कर ही मानूंगा लगता है, मैं तो स्पॉन हो जाऊंगा, लेकिन ये नहीं होने वाला स्पॉन। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टेयर लगानी पड़ेगी लगता है, तोड़ कर इसे। तो इसे थोड़े यहाँ से स्टेयर से ही चले जाते हैं ऊपर, क्योंकि मैंने अपने जो सर्वाइवल सीरीज थी वहाँ पर भी ऐसे ही किया था, तो वो चले गए थे ऊपर, बस मैं ना गिरूँ। ठीक
ठीक है अब अंदर चलो, यहाँ से स्टेयर्स बना लेता हूँ थोड़ी सी, और इसकी बना लेता हूँ कब्रस्टोन की, तो गिरना नहीं, बस यहाँ से गिर सकता हूँ मैं आसानी से, ऐसे नहीं लगानी, कैसे लगा रहा हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्लैब लगाकर फिर इसे लगाऊं तो ये नहीं लगेगी, मुझे नहीं पता कैसे जाऊं इसे मैं लेकर। अब मैंने कभी ऐसे स्लैब से कुछ ज़्यादा स्टेयर वगैरह से कुछ किया नहीं, तो मुझे पता नहीं कैसे लगती है, पर ये उल्टी लगी है। तो छोड़ो इसे, एक काम करता हूँ, मेरे पास बकेट है, बकेट में पानी भरो और सिंपली लेकर आ जाओ, या फिर एक और आइडिया है सिंपल सा मेरे पास, यहाँ से इसे उठाओ और क्राफ्टिंग टेबल में जाकर वूल बना देता हूँ काफ़ी सारी, और काफ़ी सारी बेड, एक बेड बना है, दो बेड बन गए, तो बेड्स को, ये मेरा ही बेड था एक, तो एक बेड को मैं लगाता हूँ यहाँ, यहाँ पर नहीं, नहीं हो गया है, दोनों आ गए। तो अब इसने अपना बेड नहीं चुना क्या, तो अब जल्दी से, ये बोट काफ़ी मज़ेदार है ऐसे तो, लीव बोट, अरे ये क्या हो रहा है इसे, तो इसे तोड़ो जल्दी से, टूट जाए, मैं ज़्यादा नहीं कि इसे ईट लगे यहाँ पर, तो चला, अरे चला जा अंदर, और यहाँ पर मुझे कुछ करना चाहिए था, वैसे चला जाएगा अंदर, लेकिन उसके लिए मुझे बाहर की ओर ये लगा देता हूँ मैं पहले, जो कांगी लकड़ियाँ मुझे चाहिए फेंसिस बनाने के लिए, आ जा लकड़ियाँ, और ये भी ले लेता हूँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये भाग भी सकते हैं कहीं और, तो अभी तो ये कोई भी फेंसिस बनाता हूँ, जंगल की हैं चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेड में सोने के लिए तो जाएंगे ही कम से कम, और कुछ नहीं करें तो इसे तोड़ो पहले, अब जा अंदर क्या देख रहा है ये अंदर जाए और मैं फिर फैंसीज लगा दूँ तो हो जाएगा काम, चले जा अंदर, फिर धक्का मार कर भेजना पड़ता है, ये कैसे विलेजर हैं। तो अभी तो ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर लगी हुई है लाइट, ये लालटेन लगी हुई है, इसे तोड़ूंगा तो अभी जा सकता है आसानी से, धक्का मारूंगा तो, हाँ मैं भी इसमें कई की बार अटक जाता हूँ जब भाग कर आ रहा हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पहले इसे थोड़ा सा साइड कर दो, इसे हिट ना लगे, और यहाँ पर लगाओ एक, और मैं बाहर चले जाता हूँ और एक यहाँ पर लगा देता हूँ, और स्लैब जो यहाँ पर, यहाँ पर, और मेरे पास अब अंदर जाने के लिए कुछ है नहीं, अरे कारपेट बना सकता हूँ मैं, कारपेट से अंदर जाओ यहाँ से, तो ये क्या बना हुआ है, कोई विलेजर बन गया है क्या ये, तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से भागते हैं, ये क्या बना है, तो ये मुझे क्या फिशरमैन है ये, तो स्ट्रिंग्स के बदले ये ट्रेड अच्छी है इसकी, तो कौन सी फिशर, ये कोड है ये, तो ठीक है यहाँ से अंदर चले जाओ सावधानी से। तो मैं अंदर आ चुका हूँ और ये भी अपने आप अंदर आ जाएंगे, और हमारे यहाँ पर हो गए हैं विलेजर, और इसे मैं यहाँ पर रखूँगा, बोट से मैं इसे ऊपर लेकर आ सकता हूँ, तो देखूँगा कोई जुगाड़ लगाकर, और आपको भी बताऊँगा कि मैं कैसे लेकर आया इसे अंदर, तो यहाँ पर इसे रखूँगा और यहाँ पर कुछ सेटअप कर दूँगा, और यहाँ पर ट्रैप डोर लगा दूंगा, ये भाग ना पाए, शायद से नहीं खोल सकते वो ट्रैप डोर, और एक अंदर आ चुका है, तो दूसरा कब आएगा, दूसरा अभी अपनी मछलियों देख रहा है, मछलियाँ यहाँ पर नहीं लगेंगी, वो मैंने यहाँ पर ये नहीं लगाई, ये लालटेन वापस नहीं लगाई, तो लगाता हूँ यहाँ पर लालटेन वापस, अभी तो इनकी ट्रेड अच्छी, बाद में ये महंगी कर लेते हैं, मुझे इन्हें कुछ और बनाना है, बाद में बनाऊँगा, और उसे भी अभी ठीक करना है मुझे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे इस सीरीज की ऐसी ही और एक्साइटिंग वीडियो में, और अगले पार्ट में मैं इनसे काफ़ी सारी ट्रेड्स वगैरह करूँगा, इन्हें काफ़ी कुछ इनके ऑक्यूपेशन दूंगा, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें इस वीडियो को, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताएं, मैं उन्हें फॉलो करूँगा, तो
इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में।